हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिट्स की। स्टैंडर्ड लिमिट है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, उज वैल्यू इज एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, वेयर एन बिलोंग्स टू व्हाट, जहाँ पर एन का वैल्यू एक रियल नंबर है। n is what? n is a real number. अब इसका प्रूफ आता है, तो प्रूफ दो लाइन का है, इसलिए आप देख सकते हैं। फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला आप डायरेक्ट अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इज x माइनस ए, x टू द पावर n माइनस वन प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर अप टू ए टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स टेंड्स टू क्या है, ए है, तो एक्स की जगह ए लिखेंगे, ए टू द पावर एन माइनस 1 ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू ए ए टू द पावर एन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर अप टू ए टू द पावर एन माइनस 1। अब ध्यान से देखें आप, ये एन माइनस 2 है, ये पावर 1 है, तो ये एन माइनस 2 प्लस 1 पावर ऐड होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 और ये हट जाएगा। यहाँ पर भी पावर होगी एन माइनस 3 प्लस 2, तो n माइनस 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो आप नोटिस करें कि सारी टर्म्स अब ऐसी हो गई हैं a टू द पावर n माइनस 1 की, और टोटल ये अपीयर हो रही हैं n टाइम्स। तो ये रिजल्ट है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये हाँ, बेसिकली हमने ये नेचुरल के लिए किया है प्रूव, पर ये रिजल्ट जो ट्रू है वो रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। और इसको प्रूफ को जनरलाइज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, पर अभी हम उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करते। और लेट्स कीप दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट इन आवर माइंड, और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं हम। तो मान लीजिए कि आपके पास है एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस 3। तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। आप इसको एक्स क्यूब माइनस 27 को क्या लिखते हैं, 27 को लिख देते हैं आप 3 क्यूब। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, और अब आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 3 पे। पहला तरीका तो वही है, इस तरीके से इसको एक्सपांड करो जैसा मैंने आपको बताया, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर, और फिर x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर दो। पर दोस्तों, जब पावर आपके पास ज़्यादा होगी, ज़्यादा मतलब अगर यहाँ पे तो बहुत सिंपल बात थी, अगर आपके पास क्वेश्चन है मान लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 दे दिया, x टू द पावर 9 माइनस 512 अपॉन एक्स माइनस 2 दे दिया, अब क्या करेंगे आप? तो इसको लिख सकेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स टू द पावर 9 माइनस ये होता है 2 टू द पावर 9 अपॉन एक्स माइनस 2। अब क्या ए टू द पावर 9 माइनस बी टू द पावर 9 का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, वो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल, और ज़रूरी नहीं है कि यह 9 ही हो सकता है यहाँ पावर 1000 हो, 10000 हो, कुछ भी हो, तब क्या करेंगे? तो इसीलिए ये आपको फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपके लिए बेस्ट है। क्या फार्मूला है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1, वेयर एन इज व्हाट? एन एक रियल नंबर है। तो आप इस रिजल्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पर देखें ए क्या चीज़ है। इस केस में देखेंगे आप ए इज़ व्हाट, ए इज़ 3, और एन क्या है, एन है आपके पास 3, तो दोनों कोइंसिडेंटली 3 है, तो 3 इंटू
3 to the power 3 minus 1. 3 to the power 3 minus 1 is what? It is 3 square, 9, 9, 3 जा 27. इसको देखो आप, इसमें अगर आप ये रिजल्ट लगाएंगे तो n होगा आपका 9, a होगा आपका 2, तो 9 into 2 to the power 9 minus 1, 9 into 2 to the power आपके पास आएगा 8, 9 into 256, 9 into 256. और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक और अच्छा उपाय है कि 9 को आप लिख दें 10 माइनस 1, 256. तो ये आ जाएगा आपके पास 2560 माइनस 256. माइनस कर देंगे आप इसमें से 256 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास एक तो 60 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 4500, तो ये आ जाएगा 2304. ये इसका वैल्यू आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी तो क्या करेंगे. तो पावर कैसे ज़्यादा हो गई, जैसे मान लीजिए आपके पास हो गया एक्स टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1, तो भी इस रिजल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं. कैसे, 1 टू द पावर इसको 100 लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 टू द पावर 100 माइनस 1. ये रिजल्ट आपने लगाया और आपका आंसर आया. लेट्स गो अहेड. अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टू द पावर 7/8 माइनस ए टू द पावर 7/8 अपॉन, अगर एक्स माइनस ए होता तो ये फॉर्मूला लग ही जाता. लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एक्स टू द पावर माइनस 1/8 माइनस ए टू द पावर माइनस 1/8. अब हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत है और इस फार्मूले की वैलिडिटी चेक करना है कि ये फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता है. तो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी अप्लाइड. तो ये अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको एक बात मालूम हो कि फार्मूला जब तक नहीं लगेगा जब तक डिनोमिनेटर में x माइनस ए नहीं हो. तो क्या करेंगे हम अगली स्टेप में क्या कर देंगे, इसमें हम इसमें x माइनस ए से इसको डिवाइड कर देंगे. ये हो जाएगा x टू द पावर 7/8 माइनस ए टू द पावर 7/8 अपॉन x माइनस ए. हमने इसको न्यूमरेटर को डिवाइड किया है तो हमें डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा. तो लिमिट x टू द पावर माइनस 1/8 माइनस ए टू द पावर माइनस 1/8 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x माइनस ए. और ध्यान से सुनिए, लिमिट की एक खास बात है, लिमिट ऊपर की अलग हो जाती है और नीचे की लिमिट अलग हो जाती है. ये रिजल्ट है लिमिट के लिए, आप इन रिजल्ट्स को भी ध्यान रख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो आप ऊपर की लिमिट अलग कर दें, ये लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये आप इस तरीके से लिमिट को अलग कर सकते हैं. तो हम ऊपर लिमिट अलग कर देते हैं और नीचे लिमिट अलग कर देते हैं. इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा और भी अभी इसका यूज़ करेंगे हम. तो ये देखिए आपके पास ऊपर वाले केस में अगर फार्मूला आप लगाएंगे तो हो जाएगा n इज 7/8 a टू द पावर 7/8 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/8 a टू द पावर माइनस 1/8 माइनस 1. ये 8 से ये 8 कैंसिल, ये आ गया आपका 7/-1 विच इज़ -7, a टू द पावर 7/8 माइनस 1, और ये दोनों पावर अगर ऊपर जाएगी तो ये जाएगा +1/8 +1. ये 1 कैंसिल, 7/8 और 1/8 हो जाएगा 8/8, 8/8 मीन्स 1. तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का -7a.
अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, देखिए ये भी बहुत चलता है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1, तो ये भी उसी टेक्निक से हो सकेगा। कैसे, इसको लिख दें आप 1 टू द पावर m, यहाँ लिख दें 1 टू द पावर n, इसको डिवाइड कर दें x माइनस 1 से, इसको भी डिवाइड कर दें x माइनस 1 से, और ऊपर भी लिमिट लगा दें, नीचे भी लगा दें, तो ये हो जाएगा m इंटू 1 टू द पावर m माइनस 1, नीचे हो जाएगा n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1, 1 टू द पावर एनी थिंग यू नो इज 1, तो ये आपका आंसर होगा m अपॉन n। तो ये थे इस तरीके के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसमें कुछ हम और आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो सिक्स क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है माइनस 1 लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। फॉर्मूले की शर्त आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, पर यहाँ पर तो प्लस है, तो इसको जब तक माइनस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक ये काम नहीं बनेगा। तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 को, प्लस 1 को लिख सकते हैं हम माइनस और माइनस 1, ये बन गया आपका इस तरीके का फॉर्म। अपॉन में क्या चाहिए हमें, x माइनस है, पावर की बात है तो यहाँ पावर 7 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते, क्यों, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर 7 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज माइनस 1, तो दिस कैन बी डन, ऐसा किया जा सकता है। तो प्लस के केस में क्या होता, प्लस के केस में ये नहीं होता, प्लस का केस मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अगर आपके पास यही क्वेश्चन होता, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 और यहाँ लिखा रहता x टू द पावर, छोटा सा ले लेते एग्जांपल, अपॉन x प्लस 1, तो सबसे पहले हमें x की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो माइनस 1 लिमिट का जो बेसिक कंसेप्ट है, आप लिमिट्स के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 टू द पावर 4 इज 1, प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 0, और 2 अपॉन 0 इज व्हाट, इट इज इन्फिनिटी, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट की, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन इसमें क्या आता है, माइनस 1 टू द पावर 7 प्लस 1 0, माइनस 1 टू द पावर 7 इज माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है 0 अपॉन 0, पर ये वाला फॉर्म जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी होता। तो आप इवन के केस में कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पर देखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू व्हाट, माइनस 1 है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x माइनस माइनस 1। अब हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर पाएंगे तो 7 इंटू माइनस 1 टू द पावर 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, सॉरी रिजल्ट इज दिस, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू r, n इज अ रियल नंबर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस 1 टू द पावर 6 इज 1, देयरफॉर इट्स आंसर इज व्हाट, इट्स आंसर इज 7। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, x टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2 बाई 3 माइनस 1, वैसे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको x टू द पावर 1 बाई 3 होल स्क्वायर लिख के, पर अगर आप नहीं लगाते तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, x टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 टू द पावर 1 बाई 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी वही काम कर सकते हैं, x टू द पावर 2 बाई 3 माइनस 1 टू द पावर 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दोनों की लिमिट्स सेपरेट कर दें और फॉर्मूला लगा दें। ऐसा लिखना ज़रूरी है क्या इस तरीके से, ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n यू कैन एक्सपीरियंस, n इज 1 बाई 3,
वन बाई थ्री इंटू वन टू द पावर वन बाई थ्री माइनस वन, नीचे हो जाएगा आपके पास टू बाई थ्री इंटू वन टू द पावर टू बाई थ्री माइनस वन, ये थ्री से ये थ्री कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा वन बाय टू, वन टू द पावर व्हाट सो एवर इट इज, वन टू द पावर फाइनाइट इज वन, तो ये आपका वन हो जाएगा, ये वन, तो ये वन वन हट जाएंगे क्योंकि इंटू में वन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन. अगेन इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन. देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर नाइन है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन बाई टू एट एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, इसमें किस तरीके से लगाएंगे. ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, देखते हैं इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं रिजल्ट को. तो देखिएगा, रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. कैसे, इसको लिख देंगे 2x टेंड्स टू माइनस वन, ये इम्प्लीकेशन साइन जो है ये लगभग इक्वल टू के जैसा बिहेव करता है, और इसे लिख देंगे हम 8x होल क्यूब को 2x होल क्यूब, और 1 प्लस का है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस माइनस वन क्यूब, ताकि आपका रिजल्ट अप्लाई हो जाए, और नीचे लिख देंगे 2x माइनस माइनस वन. नाउ यू कैन अप्लाई दैट रिजल्ट. चाहे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो 2x को आप हटा के कैपिटल X लिख दें. तो अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब, सॉरी माइनस माइनस वन क्यूब अपॉन x माइनस माइनस वन, और ये रिजल्ट लग जाएगा 3 इंटू माइनस वन टू द पावर 3 माइनस वन एंड विच इज 3. तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर. आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर अब 9 पे देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 9 होगा लिमिट x टेंड्स टू a, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, x प्लस टू टू द पावर 5 बाई थ्री माइनस a प्लस टू टू द पावर 5 बाई थ्री अपॉन x माइनस a है मान लीजिए, और अब हम इस रिजल्ट को अप्लाई करना चाहते हैं. तो यहाँ ध्यान से समझें कि इसमें क्या क्या खास बात है. सबसे पहली चीज बात है कि x टेंड्स टू क्या होना, a, तो यहाँ x प्लस टू टेंड्स टू a प्लस टू है, तो यहाँ x माइनस a की जगह डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम x प्लस टू टू द पावर 5 बाई थ्री माइनस a प्लस टू टू द पावर 5 बाई थ्री, न्यूमरेटर एज इट इज. डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं x प्लस टू माइनस a प्लस टू, यहाँ पर भी आप प्लस टू दोनों साइड कर दें. अब आप देखिएगा ये हो जाएगा आपका x प्लस टू टेंड्स टू a प्लस टू, बिल्कुल उसी के जैसा हो गया. इसको आप समझ लें कि ये कैपिटल X है, इसको आप समझ लें कि कैपिटल A है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हो जाएगा दिस टेंड्स टू दिस, दिस माइनस दिस, ये इसी के जैसा बन गया है. तो अब आ जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 बाई थ्री ए प्लस टू, ए प्लस टू टू द पावर 5 बाई थ्री माइनस वन. 5 बाई थ्री माइनस वन इज वॉट, 2 बाई थ्री. तो अब आप अगली के स्टेप में लिख सकते हैं 5 बाई थ्री इंटू ए प्लस टू टू द पावर 2 बाई थ्री. नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखेंगे उसमें कि हम उसे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड इन दैट केस. एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 3 टू द पावर 7 बाई थ्री माइनस ए प्लस थ्री टू द पावर 7 बाई थ्री अपॉन एक्स प्लस 1 टू द पावर
4 by 3 minus a plus 1 to the power 4 by 3. So, my dear friends, this is a question which is to be evaluated, a very special question of limit. And to evaluate this question, we need to use this limit formula. Limit extends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, and whose value is n into a to the power n minus 1, where n belongs to what? Where n is a real number. N is a real number. So to apply that formula, we need to have in denominator. What we need to have in denominator? We need to have in denominator this minus this. So let's see how it can be created here. Limit x tends to a. This numerator is x plus 3 to the power 7 by 3 minus a plus 3 to the power 7 by 3. And we can divide this numerator by x minus a, and in the same way denominator by x minus a. X minus a. So let's see. Is it possible? Yes, it is possible. We can divide both numerator and denominator by x minus a. So we have divided both numerator and denominator by x minus a. But in denominator, we need to have x minus a. Suppose if I am saying that it is x and this is a, it means numerator should have in denominator this minus this. Can this be made? Yes, this can be. How? By adding 3 and subtracting 3 here. If I add and subtract 3, then it will be looking like that. Okay, so let's move ahead now and try to write in that way. Limit x tends to a, this x plus 3 to the power 7 by 3 minus a plus 3 to the power 7 by 3 whole upon in denominator, we can have x plus 3 minus a plus 3. You can see these two, a 3 minus 3. This is minus plus minus minus 3. So 3 and minus 3 will cancel each other. In denominator, what we can have in denominator? Let's see. In denominator, we can have x plus 1 to the power 4 by 3 minus a plus 1 to the power 4 by 3, bracket close, upon x plus 1 minus a plus 1 we need. Why? Because in denominator we have x plus 1 instead of that x and a plus 1 instead of that a. So, and what about this limit? So I can separate limit. How can I separate limits of numerator and denominator? Because we have a theorem, a result in limit, a very important result, that limit x tends to a f of x upon g of x is equal to limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x. But g of a should not be what? G of a should not be 0. If g of a is 0, then of course you can understand that in denominator if it is 0, then this result will not be applicable. So we can separate limits of numerator and denominator both. So we have separated limits. Now everything is looking like this. Instead of x, we have x plus 3. Instead of a, we have a plus 3. And power is 7 by 3 instead of n. So in numerator, everything is looking like that. So we can apply that standard result in this case. And therefore, the numerator becomes 7 by 3 a plus 3 to the power 7 by 3 minus 1. Now we shall calculate it, and in denominator it is 4 by 3
a plus 1 to the power 4 by 3 minus 1. 7 by 3, 4 by 3, 3, 3 can be cancelled, and now limit should not be used because we have substituted its value. And now the ultimate result is 7 by 4, a plus 3 to the power, this is 7 by 3 minus 1 is what? It is 4 by 3, and in denominator you can see it is a plus 1 to the power 1 by 3. So both cannot be clubbed because both are having basis same, powers different, basis different and powers different. But if you find any option using some manipulation in the answer, then it is up to the answers. So you can calculate as per the options. For example, this I can write 7 by 4 a plus 3 whole to the power 4 upon a plus 1 whole to the power 1 by 3. So I can write like this 1 by 3, or in some, or sometimes this may be written like this. So keep this thing in mind, cube root of this. And when we use cube root, this 1 by 3 power will not be there. So it can be written like this. So you can find as per your options. So this is the answer of the given question which we have discussed. Hope you would have enjoyed the solution. So I request you to like, share and subscribe my channel. And it is not my channel, of course, it is your channel. So I need your best wishes for that purpose. And let's see this, if you know L-Hospital rule, L-Hospital or L-Hopital, sometimes we say L-Hospital or L-Hopital rule. If you know that result, then it can be used directly for this kind of limit. Limit extends to a x plus 3 to the power 7 by 3 minus a plus 3 to the power 7 by 3 upon x plus 1 whole to the power 4 by 3 minus a plus 1 whole to the power 4 by 3. If you know that result, then if you know this L-Hopital rule, L-Hopital rule, what does it say? It says if numerator is 0 and denominator is 0, after putting limit, then numerator can be differentiated separately and denominator can be differentiated separately with respect to what? With respect to x. So if I put x is equal to a plus 3 whole to the power 7 by 3 minus a plus 3 whole to the power 7 by 3. So it is what? A minus a, same thing minus same thing 0. And similarly, if I put x is equal to a in denominator, these two will be same and therefore denominator will be 0. So numerator and denominator both are 0. Therefore, the result can be applied, means this rule can be applied here. And what does it say? It says that numerator can be differentiated separately and denominator can be differentiated separately. With respect to what? With respect to this limit, with respect to x. So differentiation of this will be 7 by 3 x plus 3 whole to the power 7 by 3 minus 1. 7 by 3 minus 1 is 4 by 3 without wasting time. And and minus, derivative of this being a constant will be 0. And similarly in denominator, 4 by 3 x plus 1 to the power 1 by 3 minus, derivative of that is 0. And what limit is? So limit x tends to a will remain here, and at the last we shall put instead of x a. So here I'll put x is equal to a and x is equal to a. So you can realize that the answers are same in earlier solution and in after using L-Hospital rule, answers are same. But if you are in class 11, so you cannot apply L-Hospital rule or L-Hopital rule. But if you are appearing for an objective examination, then of course you may use this result. We will be making a different video for L-Hopital rule some other day. But let's continue with another question. So the question is a very important question, and it's given in your NCERT book. A very good question. Limit
x tends to 1, x plus x square plus x cube up to x to the power n minus n upon x minus 1. A very, very important question, very good question we are discussing. Some people may be thinking that a GP, a sum of a GP should be applied, but it is not that. GP's sum should not be applied over here. So what's the next method to evaluate this kind of limit? But I say you will have to use this formula to evaluate this limit, and that is a standard formula. So there are two methods to evaluate this. One is using that formula, and another is another means can be used L'Hopital rule or L'Hospital rule. So L'Hopital rule is mainly for competitive examination and for objective examination. But when you are appearing for a descriptive examination, then you cannot apply L'Hopital rule. So I will let you know what is L'Hopital rule at the end. But right now we are going through a systematic procedure to evaluate this. So what is that systematic procedure? X plus x square, x cube, up to x to the power n, and this n we can write like 1 plus 1 plus 1 up to how many times? Up to n times. So it is up to n times. Can we write like this? Yes, of course. Suppose you have 500 rupees, so you can split 500 rupees in 500 parts by writing 1 plus 1 plus 1 how many times? 500 times, because you are having 500. And suppose if you are having n rupees, so you can split like this. And in this case, in this particular case, n is what? N is a natural number, not real, it's a natural number. That is why it can be written like this. For example, suppose if you have n is 2/3, so you cannot write like 1 plus 1 plus 1 up to 2/3 times. So n is a natural number, and denominator is x minus 1. Okay, now let's see this first bracket in numerator, how many terms does it have? It is having n terms. How did we come to know? By the power. Power is 1, 2, 3, starting from 1 and ending at n. So it contains n terms, and similarly here we are having n 1. So we can write this as limit x tends to 1, x minus 1 plus x square minus 1, taking all minus all ones with all these terms, plus x square my x cube minus 1 plus up to x to the power n minus 1 upon x minus 1 upon x minus 1. All the terms in denominator having x minus 1. Now, should we need to apply? Means should we apply a formula for a square minus b square, a cube minus b cube? No, not at all. Because after going x cube minus 1, you are having next term x to the power 4 minus 1, then x to the power 5 minus 1, and so on. So need not to apply a formula for all these terms. So just write x minus 1 upon x minus 1, separating denominator. X square minus 1 can be written as x square minus 1 square, taking advantage of this step, plus x cube minus 1 can be written as 1 cube, x minus 1, and at the last we have x to the power n minus 1 to the power n upon x minus 1. And now we can apply that formula. Not though that formula means not a square minus b square, a cube minus b cube, but this standard limit must be applied. So let's see how this can be applied. X minus 1 will cancel each other, so the outcome will be what? 1 plus, here you can see the power is what? It is 2, and a is 1,
So it is 2 into 1 to the power 2 minus 1. Similarly here, power is, means n is what, 3, a is what, 1. So this is 3 into 1 to the power 3 minus 1. And same, at this step, n into 1 to the power n minus 1. So the first term is what? The first term is 1, second is 2, third is 3, up to what, n. You are, you means realizing that this has become an AP whose sum is what? Whose sum is number of terms upon 2, number of terms upon 2 into first term plus last term, 1 plus n. This is sum of an AP, sum of an AP, or sometimes you say this is what? This is sigma n whose value is the same, n by 2 into 1 plus n. Hope you enjoyed its solution in the systematic way. Let's discuss now about L'Hopital rule. So what is L'Hopital rule, or L'Hopital rule, or L'Hopital rule? All are same. So L'Hopital rule says limit x tends to 1, x plus square, x cube plus up to x to the power n minus n upon x minus 1. First of all, put x is equal to 1 in numerator as well as in denominator. So it becomes 1 plus 1 square is 1, 1 cube is 1, and up to 1 to the power n, all are same, minus n upon 1 minus 1. 1 plus 1 plus 1, how many times? N times, which is n. N minus n will be 0 upon 0. So whenever you have 0 upon 0, then only you can apply L'Hopital rule, L'Hopital rule, or L'Hopital rule. And what is that rule? Rule says whenever you find 0 by 0, after substituting limit directly, just differentiate the numerator as well as the denominator separately. Means don't apply quotient formula, just differentiate numerator with respect to what? With respect to this x. So what is this? 1, derivative of x square is 2x, with respect to x its derivative 3x square, up to its derivative is nx to the power n minus 1, minus n being constant, its derivative is what? Derivative is 0, and in denominator you can see its derivative is 1 minus 0, which is 1. And limit x approaches to what? It approaches to 1. So we need to put x is equal to 1 here. So 1 plus 2 into 1 plus 3 into 1 square plus n into 1 to the power n minus 1. 1 to the power 3, 1 to the power 2, 1 to the power n minus 1, all are 1. So it becomes 1 plus 2 into 1, because it is 1, 2 into 1 is 2, 3 into 1 square is 3, plus dash 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 n into 1 to the power n minus 1 is n. And what is this? This is an AP whose sum is what? As I told you, number of terms upon 2, first term plus last term. So this is the miracle, and this is the concept of L'Hopital rule which we can apply. But this works for objective examinations, not for descriptive examination. Okay, now let's come to the next question. And successively we are seeing that how good results are there, how this result is, how much this result is important for us, and how it can be used carefully so that it gives quick and prompt result. So I think the next question is question number 12 now. So let's see, this is question. What is that question? Question is like this: limit x tends to 2, x to the power n minus 2 to the power n upon x minus 2 is what? It is 80, and we are supposed to find n. So a very good question is this. A very good question: limit x tends to 2, x to the power n minus 2 to the power n upon x minus 2 is equal to 80, and we are asked to find n. We need to use this standard limit. Limit is written over there. This we shall use.
naturally. So that limit is standard, so no need to argue on that issue. If you need to have its proof I have given. So proof I have given in the beginning of the video, so you can see here it is used. So what does it imply? It implies n into 2 to the power n minus 1 is equal to 80. N is here a natural number. So now we need to apply trial and error method by putting n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. We will find its solution. So it's not a big deal. Just put n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. But I am saving your time. When you will put n is equal to 1, 2, 3, 4, left hand and right hand sides will not be equal. But when you put n is equal to 5, you will come to know that it satisfies. It satisfies this equation. Let's see, does it or not? So it does. 5 into 2 to the power 4. 5 into 2 to the power 4, 2 to the power 4 is 16, 16 into 5 is 80. So your answer is what? Your answer is n is equal to 5. Your answer is n is equal to 5. And let's move to one more question. That question is this: limit x tends to a means x to the power 9 minus a to the power 9 upon x minus a is equal to limit x tends to 4, 5 plus x, and we are asked to find a. So again, we are dealing with an important question. My dear students, we are dealing with an important question this time, and this question is like this. And we need to apply this limit, this standard limit over here. So keep this standard limit in your mind. This should be applied to evaluate this. This is the standard limit, you know about it. Let's apply that limit here. So it becomes 9 into a to the power 9 into a to the power what? 9 minus 1, which is 9 into a to the power 8. And in right hand side, just put x is equal to 4, means when x tends to 4, this expression will approach to 5 plus 4, which is 9. This 9 and 9 can be cancelled. So what we have in right hand side, we will have 1, a to the power 8 is 1, is equal to 1. So 1 can be written as 1 to the power 8, yes, of course, but we will write like this, plus minus 1 to the power 8. Because minus 1 to the power 8 and plus 1 to the power 8 both are same, and the answer will be a is equal to plus minus 1. There will be 8 different values for 1 to the power this. Means suppose if you have a to the power 8 is equal to 1, then a is equal to will be 8th root of what? 8th root of 1, and there will be 8 different values. But only 2 values will be real, rest all the 6 values will be imaginary values. So we need to consider only real values, because this is the chapter discussing about real limits, real values, not about imaginary values. So I think everything is clear to you. Aap apne comments jarur dikhe. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. मेरी बेस्ट विशेस हैं. खूब पढ़ें, आगे बढ़ें. आप पढ़ेंगे, देश बढ़ेगा. मेरी यही बेस्ट विशेस हैं. और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक बात पहुंचा दें. मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी. होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ. विश यू ऑल द बेस्ट.